अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। यूपी के लिए खारघर से निकला प्रवासी मजदूरों का जत्था, पुलिस ने 5 बसों से पहुंचाया पनवेल रेलवे स्टेशन, विदाई पर जताई खुशी। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के मुलुक जाने का सिलसिला और भी तेज हो गया है। गुरुवार को झारखंड के 750 मजदूरों की रवानगी के बाद शुक्रवार की सुबह खारघर से ही 500 मजदूरों को यूपी के लिए विदा किया गया। स्थानीय सामाजिक संस्थाओं की मदद से खारघर पुलिस ने इनके लिए 5 बसों का इंतजाम किया था, जिनमें बिठाकर इन्हें पनवेल रेलवे स्टेशन के लिए विदा कर दिया गया। खारघर पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रवासी मजदूर ट्रेन के जरिए पनवेल से गोरखपुर की यात्रा करेंगे। खारघर के हीरानंदानी स्टेट के पास जमा हुए मजदूरों को अपने सहयोगियों के साथ खाना पानी उपलब्ध कराने में जुटे भाजपा युवा नेता अमर उपाध्याय ने बताया कि लॉकडाउन से प्रवासी मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई है। ऐसे में रेल मंत्रालय अपने खर्च पर मजदूरों को उनको मुलुक भेज रहा है। वहीं प्रवासी मजदूरों ने भी सरकार और पुलिस द्वारा किए जा रहे इंतजामों की सराहना की। सर, उसके माध्यम से बहुत सारे सोशल मीडिया में और भी बातचीत जो है वो देते हैं, जब टिकट फ्री दिया जा रहा है तो उसका रेट क्यों फ्री हो क्या है? रेट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि रेलवे प्रशासन जो है उनको भी सरकार को ये बताना होगा कि उनने उन लोगों ने कितने सारे मजदूरों को अपने अपने राज्य में भेजा है और उसका पूरा जो बजट है रेल में प्रवास करने के लिए जो टिकट होती है उस टिकट का ओवरऑल कॉस्ट कितना उनको पड़ा, कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन को सरकार को बताना होगा। इसलिए उस टिकट पे वो कॉस्ट प्रिंटिंग किया जाता है ताकि सरकार को बताया जाए कि इतने मजदूरों लाखों मजदूरों का जो प्रिंटिंग कॉस्ट हुआ है, टिकट का जो कॉस्ट है, इतने लाखों करोड़ रुपये का सर्विस जो है रेलवे प्रशासन ने सरकार को बताने के लिए दिया, देने के लिए वो रिकॉर्ड रखा है। सिर्फ रिकॉर्ड के लिए? हाँ, रिकॉर्ड के लिए रखना पड़ेगा ना, रिकॉर्ड के लिए रखना जरूरी है क्योंकि उसकी वजह से मालूम कैसे पड़ेगा सरकार को कि कितने लोगों को रेलवे प्रशासन ने भेजा हुआ है, तो वो जरूरी है रिकॉर्ड के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।